फिर धमकी देकर गए। कैसी धमकी? हम तुम्हारी फसलों को आग लगा देंगे और मैं पागल हूँ। मलिक साहब, क्या सोचा आपने, कैसे लेंगे उससे जमीन? रे मलिक साहब, हमारे ख्याल में मुर्तज सिंह जमीन का कब्जा नहीं छोड़ेगा। कैसे नहीं देगा कब्जा? मैं उसकी अंतड़ियों से निकाल लूंगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओ, आ गया सामने। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपके साथ। क्या नहीं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल, चलो जाके इलाज कराओ। पापा, आप अभी भी मुझे ऐसे उठाने के लिए आते जैसे मुझे स्कूल जाना हो। मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। मेरे लिए तो तुम छोटी बच्ची की तरह रहोगी ना, जो उंगली पकड़ के स्कूल जाती थी और गोद में चढ़ के वापस आती थी। हाँ भाई, क्या मसला है और किसकी शिकायत है? चार बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को